ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडी जिला में जून की तपती गर्मी के बीच में शाम से मौसम ने लोगों को राहत प्रदान की है। मंडी जिला के कई स्थानों पर शाम से बारिश और बौछारों का दौर जारी रहा, जिसका क्रम सुबह तक जारी रहा। सुबह से ही मौसम खराब रहा, आसमान में काले घने बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं भी चली, जिससे लोगों को तपती गर्मी से निजात मिली है। मंडी जिला में जून की तपतपाती गर्मी के बीच मंगलवार शाम से मौसम ने लोगों को राहत प्रदान की। मंडी जिला के कई स्थानों पर मंगलवार शाम से बारिश और बौछारों का दौर शुरू हो गया था, जो कि बुधवार सुबह तक जारी रहा। बुधवार को आसमान में काले बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं भी चली। ज्येष्ठ माह की तपतपाती गर्मी से लोगों को इससे निजात मिली है। रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर बुधवार भी जारी रहा, इससे मौसम में ठंडक का एहसास लोगों को हो रहा था और मौसम भी बारिश गिरने के बाद सुहाना हो गया। मंडी के लोगों को बारिश होने से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं यहां किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। किसानों के अनुसार अभी मक्की और धान की बिजाई का कार्य होना है, जो कि पर्याप्त बारिश न होने के कारण आज तक संभव नहीं हो पाया है। ऐसे में किसानों के लिए अभी बारिश का होना आसमान से अमृत बरसने जैसा है। वहीं कुछ लोगों का मत ये भी है कि कुछ देवी देवताओं के रुष्ट होने के कारण सभी स्थानों पर बारिश नहीं हो रही थी, जिसके चलते अब शुरू हुई है। बारिश को लोग देवताओं का आशीर्वाद मान रहे हैं। मंडी में बारिश होने से मौसम अब सुहाना होने लगा है और जिस प्रकार से मौसम का मिजाज बना है, उससे आने वाले समय में ज़्यादा बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। क्या है ये बारिश तो बहुत कुछ हुई है। हमारे चौहारी घाटी के देव कड़ौनी नारायण जी पीछे रुसे हुए थे, तो उनको मनाने से हमारे पृथ्वी के ऊपर जो बारिश हुई है, इससे बहुत अच्छा हो गया कि किसानों के लिए जो मक्की बीजने वास्ते किसान बहुत तरसे हुए थे, तो उसके लिए बारिश बहुत अच्छी हुई। अभी कैसा है मौसम यहाँ पे? अभी बहुत अच्छा है, गर्मी है यार, गर्मी से राहत मिली, गर्मी से राहत होगी, ठंड भी नहीं है, बराबरी है, बराबर है मौसम है। हाँ जी, पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब बारिश होने से थोड़ी राहत मिल चुकी है और बहुत मौसम परिवर्तन हो चुका है और बहुत आनंद आ रहा है।